दोस्तों, सनातन धर्म में व्यक्ति देवी देवताओं के अतिरिक्त पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को इत्यादि को भी पूजता है। इसके अतिरिक्त अपने जीवन को सुगम समृद्धिपूर्ण बनाने के लिए वह वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अलावा अन्य कई शास्त्रों का पालन भी करता है। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह प्रकृति मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत देती है, जो कि पशु पक्षियों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा अथवा मनुष्य के स्वयं के शरीर अथवा अन्य कई दृश्यों के द्वारा मनुष्य को दिए जाते हैं। यह संकेत शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण से नारद मुनि ने पूछा था कि भगवान, जब मनुष्य का समय परिवर्तित होने वाला होता है, उसका अच्छा समय आने वाला होता है, उसका भाग्य प्रबल होने वाला होता है, तब उस मनुष्य को क्या संकेत मिलते हैं, वह उन्हें कैसे पहचान सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा था कि हे नारद मुनि, मैं इस प्रकृति के द्वारा मनुष्य को अनेक प्रकार के ऐसे संकेत देता हूँ जिससे वह जान सकता है कि उसका समय परिवर्तित होने वाला है। दोस्तों, पशु पक्षी और पेड़ पौधे मनुष्य से अधिक इस प्रकृति के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए मनुष्य से अधिक वे इन संकेतों को समझ सकते हैं और फिर वे अपनी मूक भाषा में अथवा जिस प्रकार से वे सांकेतिक भाषा में अपनी बातें करते हैं, उसी सांकेतिक भाषा में वह मनुष्य को भी यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन मनुष्य उन संकेतों को समझ सकता है अथवा नहीं। तो दोस्तों, भारतीय वास्तुशास्त्र, भारतीय ज्योतिष शास्त्र और शगुन शास्त्र ऐसे शास्त्र हैं जो हमें यह बताते हैं कि प्रकृति द्वारा दिए हुए कौन से संकेत आपको क्या अर्थ देते हैं अथवा उनका अर्थ क्या होता है, और इन संकेतों को समझकर मनुष्य अपने आने वाले जीवन को सुगम बना सकता है, आसान बना सकता है, अपने परिवार को खुशी समृद्धि के साथ तरक्की दे सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके घर में आते हैं तो आपको ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपको कोई करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, जब भी आपके घर में यह पशु पक्षी आते हैं और इस प्रकार की हरकत करते हैं तो समझ जाइए कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और शीघ्र ही आपके भाग्य खुलने वाले हैं, आपके घर में धनागमन होने वाला है। कौन से हैं वे पशु पक्षी, कौन से हैं वे पांच पक्षी, हम आपको बताते हैं। नंबर एक, दोस्तों, अगर आपके घर में गौरैया चिड़िया आने लगे और गौरैया चिड़िया अपने जोड़े के साथ आपके घर में कहीं भी घोंसला बनाने लगे, आपके घर में लगे हुए वृक्ष पर अथवा आपकी बालकनी में अथवा आपके किसी भी घर के किसी भी परिधि के अंदर कहीं भी अगर वह घोंसला बनाती है तो यह शुभ संकेत होता है। ऐसा इसका अर्थ होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई है, सकारात्मक ऊर्जा अर्थात देवताओं का वास होने लगा है, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और शीघ्र ही आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे, शीघ्र ही आपके घर में धनागमन होने लगेगा और आपके घर के लोग उन्नति करने लगेंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से फिर कभी भी आपके घर में आर्थिक समस्याओं की परेशानी नहीं होगी, आपके घर में सदैव ही धनागमन होता रहेगा, धन के भंडार भरे रहेंगे, भगवान कुबेर और नारायण स्वयं आपके घर में विराजित रहेंगे। नंबर दो, तोता। दोस्तों, वैसे तो तोता कभी किसी के घर में नहीं आता है, अगर आप पकड़ के उसे पिंजड़े में रखें तब बात अलग होती है, वह इन संकेतों में मान्य नहीं होता है। और तोता ऐसा जीव है जो एक बार उड़ जाए तो वापस कभी लौटकर अपने मालिक के पास नहीं आता, इसे सबसे बेवफा पक्षी भी बोला जाता है। लेकिन यह तोता भी आपको बहुत ही शुभ संकेत देता है, क्या आप जानते हैं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर अचानक से आपके घर में कहीं से तोता आ जाए, आपके घर में अंदर अगर तोता आ जाए तो यह अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार का दिया हुआ तोते का संकेत बहुत ही शुभ होते हैं। जिस घर में वह आता है उस घर के गृह स्वामी के ऊपर माता लक्ष्मी और स्वयं नारायण की कृपा होने लगती है, उस व्यक्ति के प्रत्येक बिगड़े हुए कार्य, चाहे वह कितना भी बिगड़ा कार्य हो, वह व्यक्ति कार्य करते करते बिल्कुल बनते बनते जिस व्यक्ति के कार्य बिगड़ जाते हैं उसके कार्य भी बनने लगेंगे, उसका खोया हुआ धन भी वापस आएगा। यानी कि अगर उस व्यक्ति ने किसी को धन उधार दिया है और वो उधारी भी वापस नहीं आ रही है तो वह उधारी भी वापस आएगी, अथवा उस व्यक्ति के घर से अगर धन चोरी हुआ है तो वह चोरी का धन भी बरामद होके उसके पास आएगा ही आएगा। दोस्तों, इस व्यक्ति के लिए धन के अनेक स्रोत ऐसे खुल जाते हैं जहाँ से आमदनी चालू हो जाती है, यानी कि उस व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा से फिर कभी भी धन की कमी नहीं होती, उसके बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाता है और उसकी तिजोरी का खजाना कभी भी खाली नहीं होता। दोस्तों, जिस व्यक्ति को ऐसा संकेत मिलता है उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद होता है। नंबर तीन, उल्लू। दोस्तों,
उल्लू को वैसे तो देखना शुभ नहीं माना जाता है। अगर उल्लू आपके घर में घर के अंदर दिखाई देता है तो यह शुभ नहीं माना जाता, परंतु उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन होता है। अगर वह आपको आपके घर के आसपास दिखाई देता है, दोस्तों घर में नहीं घर के आसपास अगर उल्लू आपको रात्रि के समय दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों वहीं दीपावली की रात्रि में भी या दशहरे की रात्रि में आपको उल्लू के दर्शन होते हैं अपने घर के आसपास, तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और शीघ्र ही आपके घर में धन के भंडार बढ़ने लगेंगे, आपके घर में धनागमन शीघ्रता के साथ आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जिस व्यक्ति को उल्लू दिखाई देता है उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मानी जाती है। नंबर 4, मैना। दोस्तों मैना पक्षी को कौन नहीं जानता, तोते और मैने की तो बहुत सारी कहानियां प्रचलित तो होती हैं। दोस्तों यह मैना चिड़िया बहुत ही शुभ संकेत देने वाली होती है। वैसे तो यह आपको आपके घर के आसपास दिखाई दे जाती होगी, जो कि बहुत छोटे छोटे अनाज के दाने खाती है और झुंडों में रहते हुए भी आपको दिखाई दे जाएगी, परंतु कभी भी यह मैना चिड़िया आपके घर में घोंसला नहीं बनाती है, आपके घर के अंदर नहीं आती है। दोस्तों लेकिन अचानक से मैना आपके घर में, आपके घर की परिधि में, आपके घर में लगे हुए वृक्ष पर अथवा आपकी बालकनी कहीं भी अगर अपना घोंसला बनाती है अथवा आपके घर में घुस आती है तो यह अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मैना चिड़िया के इस प्रकार आने से आपके ऊपर आने वाली तमाम तरह की बाधाएँ समाप्त हो गई, आपका जो अहित होने वाला था वह टल गया, आपकी होनी टल चुकी है और आपके बिगड़े हुए कार्य भी अब बनने लगेंगे। अब देवताओं का आप पर आशीर्वाद, देवता आपसे प्रसन्न है, आपने कोई कर्म ऐसा किया है जिससे आपने देवताओं को प्रसन्न कर लिया है और प्रसन्नता के कारण नकारात्मक शक्तियां आपके घर से बाहर चली गई हैं और सकारात्मक शक्तियों का आगमन होने लगा, यानी कि आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न है, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और माता लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसके लिए धन प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ऐश्वर्य प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। दोस्तों अब से आपके घर में कभी भी धन की, ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर इस प्रकार से आपने गौरैया चिड़िया को अपने घर में घोंसला बनाते हुए अथवा फुदक कर आते हुए देख लिया है तो। नंबर 5, दोस्तों वैसे तो कौआ प्रत्येक व्यक्ति ने देखा होगा, लेकिन कौए का यह कार्य आपने कभी करते हुए देखा है? दोस्तों कौआ हमेशा वृक्ष पर ही अपना घोंसला बनाता है और यह सामाजिक पक्षी भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि यह मनुष्यों के आसपास रहना भी पसंद करता है। वही दोस्तों कौए का ऐसा भी माना जाता है कि अगर कौआ सुबह सुबह आपके घर के मुंडेर पर बैठकर कांव कांव करता है तो इसका अर्थ होता है कि शीघ्र ही आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। दोस्तों बड़े बुजुर्गों से आपसे कहते हुए सुना भी होगा कि अगर कौआ आपको पानी पीते हुए, रोटी खाते हुए आपको दिख जाता है तो यह शुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों हम अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और आपकी दाहिनी ओर से कौआ रोटी का टुकड़ा लेकर अगर निकल जाता है, उड़ता हुआ आपको दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान नारायण का आप पर विशेष आशीर्वाद है और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप आपको यह संकेत भेजा है। आप जिस कार्य से भी जा रहे हैं वह कार्य आपका अवश्य ही सफल होगा। दोस्तों कौए का यह संकेत यह भी बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कोर्ट कचहरी के कार्य से जा रहा है और उसे यह संकेत दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि उस में उसकी विजय अवश्य ही होगी, उसके शत्रु परास्त होंगे, वे उसके सम्मुख मुख नहीं खोल पाएंगे, अपनी जीव नहीं खोल पाएंगे, स्तंभन हो जाएगा उनका और वह व्यक्ति उस मुकदमे को अवश्य ही जीतेगा। दोस्तों ये थे वे 5 ऐसे पक्षी जो अगर आपको आपके घर में दिखाई देते हैं तो उन पक्षियों के होने से आपको करोड़पति बनने से, हम यह नहीं कहेंगे कि करोड़पति बनने से, लेकिन आपको धनागमन के नए नए स्रोत मिलने पड़ेंगे। कर्म आप ही को करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए जब आपको ऐसे संकेत मिले तो आप कर्म करने में जुट जाइए, कर्म करने में आपको सफलता अवश्य मिलेगी जिसके कारण आपको धन लाभ होगा। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से आप कर्म करते हैं, आप कर्म पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ करते हैं तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको अन्य पक्षियों, अन्य संकेतों के बारे में बताएंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।